मृतक हैं उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और जो भी समुचित इलाज है इलाज में अब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं एक परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है, उसके दो नाती और एक घर की महिला सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि समुचित इलाज नहीं मिल पाया। आखिर ये CHC और ट्रामा सेंटर क्यों बनाए गए हैं, इसका जरा हमें जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ज्ञानपुर तो अनायास भेजते हैं कि केवल मरीज को मारने के लिए ज्ञानपुर क्यों भेजते हैं, जब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ज्ञानपुर क्यों भेजते हैं? है? जब ज्ञानपुर में कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ क्यों भेजते हैं भाई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के औराई क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना घटती है जिसमें करीब 50 से 60 लोग घायल होते हैं और प्रशासन के मुताबिक 6 लोग की मृत्यु हो जाती है। अभी हम जिस घर पे मौजूद हैं इस घर से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, करीब 7 लोग घायल हो गए हैं और 2 लोग किसी तरह से बच निकले हैं। ये परिवार है, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है, परिवार को लोग ढाढ़स बंधाने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले की जानकारी के लिए लगातार आलाकमान को निर्देश देते रह रहे हैं, लेकिन इस मामले पर अभी कैसा इलाज चल रहा है, परिवार पर क्या बीत रही है, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रमापति। जो मृतक बच्चे हैं क्या 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 नाम है? एक का नाम है नवीन कुमार, एक का नाम है सुजल कुमार। दो बच्चे एक वाइफ थी। अच्छा, जय देवी नाम है, उनकी भी डेथ हुई है। हाँ, उनकी भी डेथ हुई है। जैसे एक परिवार से 12 लोग गए थे, फिर आप लोग जब वहाँ पे गए क्या सूचना मिलकर आई थी, प्रथम सूचना क्या थी? हम तो घर पे थे, वहाँ 8:30 बजे मालूम हुआ कि जो है पंडाल में आग लग गई। ये नहीं, सबको जो है वहाँ से हटा करके जो है सूर्या ट्रामा सेंटर में जो है भेज रहे थे। वहाँ बच्चों की स्थिति क्या है, परिवारजन की? अरे बहुत दयनीय स्थिति क्या है, सब जो है चीख पुकार रहे थे। क्या इलाज प्रशासन की तरफ से हो पा रहा? उस रात तो कुछ नहीं हुआ, उस रात तो कुछ नहीं हुआ। कभी चौरा में हमारे दो जो है एक नाती एक वाइफ थी, कुछ नहीं हुआ जिसे दोनों की जो है डेथ हो गई इलाज न मिल पाने के। हाँ, इलाज न मिल पाने से। और जो है उसके बाद जब 11 बजे भास्कर जी पहुँचे तब कुछ जो है इलाज शुरू हुआ। कल जो है DM साहब गए तो ठीक है। अब देख सकते हैं एक रात तो एकदम कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस को इलाज ही नहीं मिल पाया। अच्छा, कहा जाता है यहाँ पे भी हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर, जब पहली बार ले गए होंगे यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं थी? कुछ व्यवस्था नहीं थी, बस सीधा रेफर, सीधा ज्ञानपुर जाओ, ज्ञानपुर रेफर, सीधा वहाँ जाओ। ज्ञानपुर तो अनायास भेजते हैं कि केवल मरीज को मारने के लिए ज्ञानपुर क्यों भेजते हैं, जब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ज्ञानपुर क्यों भेजते हैं? जब ज्ञानपुर में कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ क्यों भेजते हैं भाई? अपना जो है जो बस जो है कोरम जो है पूरा करने के लिए वहाँ जो भेजते हैं, जब वहाँ कुछ नहीं होना है। क्या कर? देख सकते हैं एक परिवार का एक दर्द है, जब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं ये परिवार का दर्द है जो बयां कर रहा है। एक रोते रोते उनके भाव होकर एक कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ रेफर का खेल चलता है, आखिर क्यों चलता है, एक बड़ा सवाल है, एक अहम सवाल है। इसमें जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी हो उनको भी यहाँ से सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि इस तरह से अगर कहीं भी घटना घटती है, जब आपके पास ट्रामा सेंटर है, CHC है, आखिर वहाँ पर इलाज क्यों नहीं है? क्या सारे जो नेता हैं, जो अधिकारी जिनके टैक्स से अधिकारी चलते हैं, जिनकी गाड़ियों के पैसे से चलते हैं, जो नेता चलते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं? अगर आपके CHC में इलाज की व्यवस्था नहीं है तो इलाज क्यों नहीं हो रही है? क्या ये आपको जानने का हक नहीं है?
क्या ये जो जनता है सिर्फ वोट देने के लिए? एक बड़ा और अहम सवाल है। यहाँ भी कुछ पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके क्षेत्र में घटना घटती है, आखिर आपके सीएचसी की ऐसी हालत क्यों है, आपके अस्पतालों की ऐसी हालत क्यों है, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है नेता जी? पवन तिवारी, अध्यक्ष काशी प्रांत आम आदमी पार्टी। हम लोग प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी के निर्देशन में ये दूसरा प्रतिनिधिमंडल हमारा आया है। यहाँ दुर्गा पंडाल में अग्निकांड जो हुआ है यह विभत्स कांड है और इसमें पूरा दोषी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस के नाक के पार नीचे एकदम बगल में सामने 20 मीटर पे स्थल था जहाँ पर ये घटना घटी। हम लोग अभी जा कर के वहाँ घटना स्थल पे देखे कि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहाँ पर दमकल भी आई तो बिना पानी पी, उसमें फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था और सिपाही पुलिस सब आए आधे घंटे बाद। तब तक लोग जो मर चुके थे, जो झुलस चुके थे, वो बगल में पोखरा है, बगल में तालाब में कूद कूद करके लोग, और पानी लोग अपने बाल्टी से गांव वाले मिल करके जिसको बचा सके बचा पाए। शासन ने इतनी घोर लापरवाही की है कि बेमतहा, और आदित्यनाथ दुहाई देते हैं कि हम अपने अच्छी सरकार चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस धर्म के ठेकेदार आप हैं, आज उसी धर्म के आपके घोर लापरवाही के चक्कर में 7 जान चली जा चुकी है और अभी 70 लोग घायल हैं और बहुत जिनको 50% से अधिक जिनका शरीर जल चुका है। हम लोग ट्रामा सेंटर भी गए, सूर्य ट्रामा सेंटर पे, हमारे पार्टी के वाराणसी के साथी भी यहाँ आए हैं, वहाँ कल गए थे देखे, व्यापार प्रकोष्ठ के साथी आए हैं और वो लोग भी बता रहे हैं कि लग रहा है कि आधा से ज़्यादा लोग झुलस गए हैं। तो ये घोर लापरवाही है, स्वरूप रानी में है। अभी इनके यहाँ जिनकी रमापति जी के यहाँ मृत्यु हुई है, इनके इनकी पत्नी मर गई हैं और इनके 2 मासूम नाती जो अब नहीं है हमारे बीच में, वो उसी आग की लपट में। और इन्होंने बताया भी कि यहाँ की सरकारी अस्पताल का हालात इतना बदतर है कि वहाँ जिसको भेजा जाता है तो जो बचना भी चाहता है वो भी मौत के घाट उसको वहाँ कर दिया जाता है। ये ट्रामा सेंटर भी बहुत अच्छा उपयोगी नहीं है, इनको PGI वगैरह, योगी आदित्यनाथ जी आपसे आम आदमी पार्टी ये मांग करती है आपके माध्यम से कि इनको PGI रेफर करिए। और परिजनों को जिनके यहाँ मौत हुई है, जैसे इस घर में 3 मौत हुई है, 7 अभी घायल हैं, तो इनको 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए और CBI जांच हो, ADG आपके कहते हैं SIT की जांच कर दिया गया। एक भी आदमी यहाँ होमगार्ड और सिपाही, हम लोग जा कर के जब तीमारदारों से पूछने का भी ये लोग नहीं, गेट पे खड़े होकर के जैसे हम लोग चोर और डकैत की तरह आए हों, हम लोग संवेदना और उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको सही इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए तीमारदारों से पूछने हम साथी गए। तो वो लोग जैसे चोर डकैत हों कि गेट पर ही वो लोग 20-25 सिपाही और दरोगा इंस्पेक्टर आके खड़े हुए। इनसे जांच की उम्मीद की जा सकती है? SIT ये जांच कर सकते हैं, ये लीपा पोती करेंगे। मैं आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से आग्रह करूंगा, अभी हमारे सांसद संजय सिंह जी ने भी कल ही कहा है कि 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए भदोही में अग्निकांड में झुलसित और मृतकों को, और जो तीमारदार हैं उनको सही दवाई दिया जाए, वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरेज पे जा कर के दवाई लेने पर मजबूर है। सरकार के नाम पर, सरकारी व्यवस्था के नाम पर केवल लीपापोती हो रही। देख सकते हैं आम आदमी के पदाधिकारी जो हैं वो जो लगातार मांग कर रहे हैं, जो मृतक हैं उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और जो भी समुचित इलाज है, इलाज में अब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं एक परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है, उसके 2 नाती और एक घर की महिला सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि समुचित इलाज नहीं मिल पाया। आखिर ये CHC और ट्रामा सेंटर क्यों बनाए गए हैं, इसका जरा हमें जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आखिर जब किसी घायल का इलाज नहीं हो सकता, किसी परेशान व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता, किसी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, आखिर CHC
और आपका ये ट्रामा सेंटर क्यों बनाया गया है, इसका हमें जवाब दे दीजिएगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, भदोही।